आज स्वादिष्ट रेसिपी बनाएंगे मछली की। तो यहाँ पर ये देखिए मछली है, इसको हमने अच्छे से साफ़ करके 10 मिनट के आसपास हल्दी लगाकर मैरिनेट करने के लिए रख दिया। अब यहाँ पर अदरक लहसुन प्याज हमने कद्दूकस कर लिया है और स्वाद के मुताबिक मिर्च ले लिया है। अब तेल लेंगे और जो फिश हमने मैरिनेट के लिए रखी थी इनको हम तल लेंगे। तलते समय आप बहुत सावधानी बरतिएगा, जल्दबाजी करेंगे तो मछली के जो पीस हैं वो टूटने लगते हैं और मछली जो है अच्छे से फ्राई नहीं होती है। तो मछली को आराम से तलिएगा, गैस की फ्लेम को आप मीडियम या तेज रखिएगा, तभी अच्छे से मछली पक जाती है। तो चलिए फटाफट मछली फ्राई करते हैं। अब इस तरह से हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और गरम गरम इसकी जो ऊपर की लेयर है ये हम हटा देंगे। ऑप्शनल है, आपको हटाना है तो हटाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। आप मसाला तैयार करते हैं तो थोड़ा आवश्यकता अनुसार हमने तेल ले लिया है। आप अदरक लहसुन को हम अच्छे से इसमें भूनेंगे। अब डाल देंगे स्वाद के मुताबिक नमक और हल्दी पाउडर, दोनों को अच्छे से डालकर इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं। अब दरदरी कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे, गरम मसाला,
धनिया पाउडर, अब इन सबको डालकर थोड़ा सा और भून लेते हैं। आप आवश्यकता अनुसार पानी डाल दीजिएगा, जितना आपको ग्रेवी की थिकनेस चाहिए। हरे मिर्च डाल दीजिए, जितना आपको तीखा खाना है, और इसमें एक अच्छे से उबाल आ जाने देते हैं। अच्छे से उबाल आने के बाद अब जो हमने फिश फ्राई की थी इनको हम डाल देंगे और थोड़ी देर हम पका लेंगे। अब सब्जी बनने में देर नहीं लगती है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर हम मिर्च पाउडर डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है डालिए, नहीं कोई बात नहीं। और अब हरी धनिया इसमें डाल देंगे और आहिस्ता से सब्जी को हम मिला लेंगे। बहुत फटाफट आप नहीं करिएगा, नहीं पीस जो है वो टूट जाती हैं। तो अब ये देखिए सब्जी जो है हमारी बनकर अच्छे से रेडी हो गई है, बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। झटपट फिश की जो ये सब्जी है, जिसको हम फिश करी भी कह सकते हैं, बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। तो ये देखिए लुक वाइज भी बहुत अच्छी है। तो आप भी इस तरह से सब्जी ज़रूर बनाइएगा और अपने कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइएगा जो ये सब्जी हमने मछली की बनाने का तरीका बताया आपको कैसा लगा है।